वीडियो में आपको बता रहा हूँ, एक रिपोर्ट के द्वारा मैं समझा रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को कैसे हम रीड कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली में क्या तकलीफ हुआ है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है और अच्छे से आप समझ जाएंगे रिपोर्ट देख के, अपना भी रिपोर्ट इसी तरह से आप पता कर सकते हो। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे कि नया वीडियो आए सबसे पहले फ्री में आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी चालू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन HB। अब इस पेशेंट का जो रिपोर्ट है HB है 13.8 और जो नॉर्मल रेंजेस होता है वो 12.5 से लेके 16 तक इसमें रखा गया है। क्योंकि जो ये नॉर्मल रेंजेस होता है वो अलग अलग लैब में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, हल्का सा डिफरेंस इसमें रखा जाता है। तो HB इसका नॉर्मल है। अब इसमें RBC देखेंगे, यानी कि एरिथ्रोसाइट क्या है। तो एरिथ्रोसाइट भी इसका 5.06 है और नॉर्मल रेंज है 4.2 से लेके 5.4 तक, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद HCT देखेंगे, यानी कि PCB, तो PCB का रेंज भी ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब पेशेंट को उल्टी या दस्त अगर इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट को एनीमिया भी नहीं है, मतलब ये सारा चीज़ ओके है। उसके बाद से जो उसका MCV, MCH और MCSC, इससे ये पता चलता है कि जो RBC है उसका साइज, शेप, उसका वेट कितना है, वो सारा बराबर है। तो ये सारा नॉर्मल है। इससे ये पता चलता है कि जो भी उसका RBC है, यानी कि शरीर में जो ब्लड का RBC है वो सारा बराबर है। RBC में जो हीमोग्लोबिन है वो भी ठीक है, यहाँ तक रिपोर्ट बराबर है। यानी खून की कमी नहीं है उसको, एनीमिया नहीं है उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसको आगे चलते हैं, अब देखते हैं उसको इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये होता है WBC काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये है 12,500 और जो नॉर्मल रेंजेस है वो 4,000 से लेके 10,500 तक है। क्योंकि ये जो रेंजेस होता है हर लैब में अपना अलग अलग चेंजेस होता है, तो नॉर्मल रेंज से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि 12,500। इससे ये तो पता चलता है कि WBC उसका हाई है और उसको इन्फेक्शन है। लेकिन कौन सा इन्फेक्शन है, कैसा है, कितने दिनों में ये हुआ है, तो उसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले ये डिफरेंशियल देखना होता है दोस्तों। तो अगर हम डिफरेंशियल की बात करेंगे जहाँ पे, तो आप ये न्यूट्रोफिल देखेंगे, तो न्यूट्रोफिल हमारा नॉर्मल है, यानी कि 62 है और नॉर्मल रेंज उसका 40 से 80 तक है, ठीक है। लेकिन अब एब्सोल्यूट उसका देखेंगे तो इसके आधार पर तो पता चलता है कि नहीं, उसको मतलब इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा सा एक दो दिनों का ही हुआ है। लेकिन एब्सोल्यूट में अगर पता करेंगे तो एब्सोल्यूट उसका न्यूट्रोफिल निकालेंगे हमको, तो 7,750 और जो नॉर्मल रेंजेस है वो 2,000 से लेकर 7,000 तक। तो इस आधार पे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को मोस्टली एक या दो दिनों से ही इन्फेक्शन हुआ है, या उसको सर्दी खांसी या कुछ भी हो सकता है ब्लड, इसलिए वो बढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट भी हमारा नॉर्मल है, तो यानी ये पुराना नहीं है, अब मतलब हाल ही में एक दो दिन का ही प्रॉब्लम उसको हुआ है। फिर देखेंगे उसके पास है मोनोसाइट, मोनोसाइट भी नॉर्मल है, यानी कि फीवर वगैरह उसको नहीं आ रहा है, इसी भी पता चलता है कि फीवर उसको नहीं आ रहा है। फिर हम देखेंगे यूसिनोफिल, इसका यूसिनोफिल 7 है, जो हमारा नॉर्मल जैसे है वो 1 से लेके 6 तक है दोस्तों। अब उसका एब्सोल्यूट इसिनोफिल देखेंगे तो ये भी ज़्यादा है, तो इससे ये पता चलता है पेशेंट को, यानी कि पक्का उसको एलर्जी हुआ है, एलर्जी का प्रॉब्लम है, यानी कि उसको खांसी हो रहा है, बदन में जगह जगह खुजली हुआ हो या जगह जगह क्या बोलते हैं रेसेस आया हो, रेड। तो इसलिए इसके वजह से जो इसिनोफिल टेस्ट है रेंज है, इसके वजह से इसका जो WBC का अकाउंट वो बढ़ा हुआ है, यानी ये पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे नोटेड भी किया हुआ है यूसिनोफिल ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम है। फिर हम देखेंगे कि उसको फीवर वगैरह तो आ नहीं रहा, ये प्लेटलेट जो दे सकते हैं, प्लेटलेट भी ये नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी प्लेटलेट अच्छा ही माना जाएगा वो, तो इसको फीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी सब कुछ मिला के ये रिपोर्ट जो बोलता है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम बता सकते हैं कि पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम हुआ है और उसको जो मेडिसिन चलेगा वो एलर्जी का मेडिसिन चलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।